नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि यूपी में आज से मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फोकस महिलाओं से जुड़े अपराधों पर तेज गति से कार्रवाई करने का है। और बता दें कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही महिला अपराधों को लेकर सरकार ने पुलिस अफसर को सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए थे। तो लखनऊ से बता दें आपको कि आज सुबह अपने सरकारी आवास से शारदीय नवरात्रि से पहले मातृ शक्ति को वंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज उन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ कर महिला सशक्तिकरण रैली का को उन्होंने रवाना किया, जो लखनऊ के विभिन्न चौराहों से होते हुए 1090 चौराहे पर समाप्त हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में 11 बड़े आयोजन में मिशन शक्ति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद 3 महिला विभूतियों संग 25 अन्य महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। तो इस दौरान दोनों DPCM समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचासीन 3 महिला विशिष्ट अतिथि पद्मश्री हेमा प्रभा सोतिया, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधल और श्रीवास्तव, बता दें कि HCL की CEO रोशनी नाडर समेत प्रदेश के विभिन्न विभाग की 25 महिलाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। इनमें 15 नारी शक्ति यूपी पुलिस की हैं। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ये परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ राघवेंद्र त्रिपाठी, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, यहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से मिशन शक्ति को लेकर यहां पर बात की जा रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, और इससे पहले भी हमने देखा है कि महिला आरक्षण को लेकर लगातार यहां पर महिलाओं को कहीं साधने की कहें या फिर उन्हें सशक्त करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सभी पार्टियां महिलाओं पर विशेष फोकस कर रही हैं और अब मिशन शक्ति की शुरुआत यहां पर की गई है। देखिए प्रियंका जी, राजनीति अपनी जगह पे है और योगी आदित्यनाथ का जो महिलाओं के प्रति नजरिया है वो अपनी जगह पे है। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला काम क्या था, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, ताकि जो स्कूली बच्चियां हैं उनको रास्ते में छेड़खानी का शिकार न होना पड़े। और आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 2020 को नारी शक्ति मिशन की शुरुआत देवी पाटन से की गई थी, जहां पे दुर्गा जी का मंदिर है। उस समय भी नवरात्र का महीना था और कल से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नवरात्र, शारदीय नवरात्र मनाया जाएगा। शक्ति की आराधना होगी। शक्ति की आराधना भी महिला रूप में ही होती है, चाहे दुर्गा जी हो या उनके जो नौ अवतार हैं उनके रूप में होती है। तो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर, जब तक महिलाएं स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक एक क्या सुसज्जित और सुसंगठित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही परिणाम है कि योगी आदित्यनाथ हमेशा महिलाओं को लेकर चिंतित रहते हैं। पास्को एक्ट के तहत जितने भी मामले दर्ज होते हैं उसमें प्रभावी पैरवी करके दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरा एक टीम गठित की गई है। वह लगातार पैरवी करती है, निगरानी करती रहती है। उसके अलावा 4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के लिए जो लोन दिए गए हैं 10,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक, उसमें 40% महिलाएं हैं। और हर ग्राम सभा में महिला समूहों का गठन किया गया है और महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं होती है उस पर तत्काल सरकार एक्शन ले, उसके लिए 1090 का गठन भी किया गया ताकि महिलाएं वहां शिकायत करें और त्वरित एक्शन लिया जाए। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, स्वावलंबन है, जो शक्ति है, उसको व्यापक रूप दिया जाए। और इसी कड़ी के तहत जो 57,700 कुछ ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें भी प्रभात फेरी निकाली जाएगी, संगोष्ठियां की जाएंगी, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, वह अपने चहरदीवारी से बाहर निकले और स्वावलंबी बने। स्वावलंबी बनने के लिए छोटे मोटे रोजगार, चाहे पापड़, चिप्स, अचार, जो भी जिसको जो हुनर है वह करे, ताकि वह समाज के मुख्य धारा में शामिल हो। यही वजह है
कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिछला सत्र बुलाया गया था 5 दिनों का, उसमें महिला आरक्षण बिल भी लाए। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जब जाति जनगणना होगी, जब जनगणना होगी देश को, तब यह बिल लागू होगा। लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें स्वावलंबित बनाने की दिशा में काम करेगी। तो अब देखना है कि इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर जितना सचेत रहते हैं, उतना शायद उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री अब तक नहीं रहा है। अपर महिला अपराधों के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के अपराध में कमी आई है। 1090 की जो बैन है, लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहती है। यदि कोई मोबाइल पे भी संदेश आता, तुरंत मौके पे पुलिस पहुंचती है और मामले को निस्तारित करती है। दहेज हत्या के मामले में भी तमाम FIR समय पे दर्ज किए जाते हैं। तो जो उत्पीड़न के मामले उनको दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन को लेकर जो काम सरकार कर रही है वह भी सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात है, स्वावलंबित बनाने के लिए लोन दे रही है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो नौकरियां आ रही है उनमें आरक्षण भी दिया जा रहा है। अभी जितने भी नियुक्ति पत्र बटे उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि महिला और आगे आए, क्योंकि आधी आबादी है, उनको 33% पे संतोष नहीं करना है, उन्हें पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, तभी उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। ऐसी सोच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। जी प्रियंका जी, बिल्कुल राघवेंद्र जी, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और एक गाना भी हमने सुना है काबा, जिसको लेकर यहाँ पर किस तरीके से विकास हुआ है और किस तरफ से जो विकास नहीं हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाया गया है। हालांकि इसको लेकर बवाल भी मचा है इस गाने को लेकर, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। प्रियंका जी, विपक्ष का काम है, सशक्त विपक्ष वही होता है जो सरकार की नाकामियों पर उंगली उठाए, सदन के भीतर सदन के बाहर भी। और विपक्ष अपना काम कर रहा, सरकार अपना काम कर रही है। जहां तक रही बात यूपी में काबा, तो उसका जवाब भी बाबा ने दिया था कि यूपी में बाबा बा। तो हालांकि यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, चुनाव का वक्त भी आ रहा है, लेकिन जो धरातल पे सच्चाई है वह यही है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह सरकार संवेदनशील है, जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से उनके उत्थान के लगातार योगी आदित्यनाथ चर्चा करते रहते हैं, जिस तरह से महिला अपराधों में कमी आई है, वह अपने आप में उत्तर प्रदेश में नजीर है। और महिलाओं की चर्चा करना केवल सीमित नहीं है, अब नवरात्र का समय है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उसका असर भी देखने को मिलता है। जो अपराध के मामले हैं जिसमें महिलाएं पास्को एक्ट के तहत प्रभावी पैरवी की जा रही है, 1026 मामले में सजा दिलवाई जा चुकी है। 3 महीने के अंदर 900 ऐसे मामले जिसमें 3 महीने के अंदर सजा दिलवाई गई थी दोषियों को। तो यह सरकार की मंशा को दर्शाता कि सरकार कितना गंभीर महिला अपराधों को लेकर और महिलाओं को स्वावलंबित करने को लेकर, चाहे अमेठी हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, गोरखपुर हो, हर जगह महिला समूहों का गठन किया गया, महिलाएं अपना रोजगार कर रही है, बैंक से उनको लोन देने की व्यवस्था की गई है। पहले महिलाओं को लोन देने में बैंक आनाकानी करते थे, लेकिन अब एक तरह से सरकार खुद गारंटर बनी हुई है कि महिलाओं को लोन दीजिए ताकि स्वरोजगार कर सके। उसका असर भी दिख रहा है, महिलाएं घर की ड्योढ़ी से बाहर निकल रही है, काम कर रही है। कोरोना काल में महिलाओं ने तमाम ऐसे चीजें बनाई जिससे उनको आमदनी भी हुई, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, उन्होंने काम भी किया। तो कुल मिलाकर महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश है सरकार की, इस नाते अभियान चलाया जा रहा है, यह चौथा अभियान है। 3 अभियानों की सफलता के बाद योगी चाहते हैं कि महिलाएं और आगे उत्तर प्रदेश में आए और जो एक उत्तर प्रदेश की छवि बनी हुई थी अपराधों को लेकर, उस पर विराम लगे और निवेशक उत्तर प्रदेश में आए। अब देखना होगा कि इस अभियान का कितना असर पड़ता है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष भी अपना काम कर रहा है और सरकार की नाकामियों पर लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार को जवाब देना है कि विपक्ष के सवालों का जवाब क्या होगा और उसको अपने काम से ही जवाब देना होगा, और योगी आदित्यनाथ बखूबी इसे निभा रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को देखा जाए तो सशक्त किया जा रहा है और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे थे कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर